वेलकम बैक क्रिप्टो लवर्स, स्वागत है आप सबका हैशटैग क्रिप्टो चैनल में। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैं जैसे बताया था कि जो वी यू का एयर ड्रॉप्स था वो कैसे कलेक्ट करना है वो सारा कुछ, उसके बाद अभी जस्ट इसके एक वीडियो पहले बताया कि इसका KYC वेरीफाई आ गया है। KYC वेरीफिकेशन, अगर आपका वॉलेट एड्रेस या आप अगर विनर हैं इसके फेज़ टू के लिए, जो इसका टिकट का विनर लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं, तो KYC वेरीफाई करके आप इसको जो है फेज़ टू के प्राइवेट सेल में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मिनिमम जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, तो मैं यहाँ 10 से 12 USDT जो है वो इस एड्रेस पे, जैसा ये बोल रहे हैं कि बोथ USDT और BUSD जो है वो एक्सेप्टेड होगा इस एड्रेस पे, तो मैं इस पे सेंड करता हूँ 10 से 12 USDT में अपने परचेज के लिए। लाइव दिखाता हूँ परचेज करके, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसका प्राइस भी अच्छा होगा, तो मैं इस वजह से मैं कुछ छोटा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम सब कुछ करने वाले हैं लाइव। तो सबसे पहले आपको तो जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आके मोबाइल पे, और जैसा अगर आप इसके एयर ड्रॉप्स कल क्लेम किए होंगे तो ट्रस्ट वॉलेट में कैसे कनेक्ट करना है वो सारा कुछ आप जान रहे होंगे, अगर नहीं तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरा वो सारा कुछ बताया हुआ है उसमें। तो ये कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे कॉपी के लिए ऑप्शंस, ये जो है एड्रेस है वो कॉपी करना है। अगर एक मिनट मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो फिर से कनेक्ट के लिए पूछेगा। चलिए मैं रिफ्रेश कर लिया दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कनेक्ट का भी प्रोसेस, यहाँ पे अभी डायरेक्टली देख पाएंगे लाइव। तो यहाँ ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ जो है लॉगिन, इस पर क्लिक करना है आपको, तो लॉगिन पर क्लिक किए, इसके बाद जो है यहाँ पे एक ओके के लिए ऑप्शन आएगा थोड़े देर में। तो ट्रस्ट वॉलेट में एक यहाँ पे जैसे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे ओके का, तो इस पर ओके का क्लिक करना है, इसके बाद इसको मिनिमाइज़ कर देना है और वापस से आपको जो है ब्राउज़र पे आना है जहाँ पे वीयू का और आप वेबसाइट से कनेक्ट किए थे ब्राउज़र से। तो चलिए हम यहाँ से वापस आ गए हैं, यहाँ पे जैसे मेरा 13 टिकट्स अभी देख पा रहे होंगे, हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि विनर लिख रहा है। तो ये सारा कुछ KYC वेरिफिकेशन पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, वो देख लेंगे। यहाँ पे आप परचेज करना है तो सिंपल ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये एक्सेप्ट करना है इनका, तो हम चलिए एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एड्रेस है, इसको कॉपी करना है, इस पर आप USDT या फिर BUSD दोनों में से कोई भी जो आपके पास है वो आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले कॉपी किए, इसके बाद मिनिमाइज़ किए और उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहाँ से मुझे सेंड करना है। तो मेरे पास Binance में कुछ USDT पड़े हुए हैं, मैं वहाँ से सेंड करता हूँ इसे। तो चलिए हम ये वापस से Binance का जो है एप्लीकेशंस के इसमें हैं, तो यहाँ पे कुछ USDT हम सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से मुझे सेंड करना है, तो मैं विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। विड्रॉ के बाद वो जो कॉपी किया हुआ एड्रेस है वो लॉन्ग प्रेस टू पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हम पेस्ट कर लिए, फिर से एक बार हम रीवेरीफाई करेंगे हम कंफर्म के लिए कि हाँ वो एड्रेस सही पेस्ट किए हैं या कॉपी किए हैं या कोई और एड्रेस हम कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ से हम ये 87A02 देख लेते हैं यहाँ पे कि वो वही है या कुछ और है, तो वेरीफाई करके हम वापस आते हैं। तो दोस्तों हम देखें कि वही एड्रेस है, हम वेरीफाई कर लिए, यहाँ पे हम मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी है मैक्सिमम पे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 3079 यू विल गेट, पूरा ये हो रहा है। अभी नेटवर्क फ़ी पे जो है यहाँ पे क्लिक करना है, नेटवर्क फ़ी में ERC20 ट्रांसफ़र फी 10 USDT BEP20 पे आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांजेक्शन्स भी अलग अलग एड्रेस पे, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स भी अलग अलग चेन्स पे लग रहे हैं। जैसे कि TRC20 पे 1 USDT का फ़ी मुझे देना है, ERC20 पे मुझे ट्रांजेक्शन्स भी 10 USDT पेमेंट करना है, तो काफ़ी हैवी है मेरे लिए। फिर हम BEP20 जो है Binance का, इसमें ट्रांजेक्शन्स भी 0.8 USDT है जो मिनिमम है, तो मैं ये सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये, तो इसके अगर ये फ़ी आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ये जो विड्रॉ का ऑप्शन है यहाँ पे नीचे यहाँ पे आएगा नहीं दोस्तों। जैसे ये अभी नॉन क्लेमेबल है ऑप्शंस, तो अभी मुझे यहाँ नेटवर्क फ़ी पेमेंट करना है पहले, तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ BEP20। ठीक है, ये सेलेक्ट करके आपको कंफर्म करना है, ये तो कंफर्म किए हम। उसके बाद द नेटवर्क यू हैव सेलेक्टेड इज BSC, प्लीज़ इंश्योर दैट विड्रॉल एड्रेस सपोर्ट द Binance स्मार्ट चेन नेटवर्क। ये कह रहा है कि ये Binance चेन जो है सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये इंश्योर कर लीजिए। तो हम वो एक बार इंश्योर कर लेते हैं कि वो है कि नहीं है, वापस से वीयू के वेबसाइट पर। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये क्लियरली लिखा हुआ है कि BEP 20 जो है वो एक्सेप्टेड है BUSD का या फिर ERC 20 दोनों का। तो हम दोनों में से किसी पे भी सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम BEP 20 एड्रेस वो सेलेक्ट किए हैं, चलिए ठीक है। स्मार्ट चेन ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पावर्ड बाय बिनेंस स्मार्ट चेन आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, नीचे ऑप्शंस है यहाँ पावर्ड बाय वो समथिंग जो भी है वो तो एडिशनल है। यहाँ पे BEP 20 जो हम सेलेक्ट किए थे वो है, तो हम इसको वापस से ट्रांसफ़र कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ विड्रॉल का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो गया, ये क्लिकेबल है अब। तो मुझे सिंपल जो है ये फी पेमेंट करने के बाद जैसे कि 11.23 USDT जो है उस पर ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए हम यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इंश्योर द नेटवर्क इज़ करेक्ट, यहाँ पे ठीक है हम कन्फर्म कर लेते हैं। ये सारा कुछ करके हम कन्फर्म कर दिए, ठीक है, क्योंकि हम देख चुके थे पहले, हम कन्फर्म कर दिए। यहाँ पे जो है कोड वगैरह आपसे जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है ये सारा कुछ कोड उस पर भेजा जाएगा। तो यहाँ पे है कि सेंड कोड पे क्लिक करना है आपका जो है दोनों के लिए, इस पे और ईमेल पे, ईमेल के लिए भी मतलब जीमेल के लिए भी ईमेल या फिर आपका जो मोबाइल है उस पे, और यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेशन का कोड पेस्ट करना है। तो चलिए हम ये सब कर लेते हैं और वापस आते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे तीनों हम सबमिट करके ये कोड यहाँ इनपुट कर दें, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं। इनकरेक्ट ईमेल वेरिफिकेशन आ रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों कुछ गलत इनपुट हो गया था ईमेल का कोड का, वो मैं फिर से करेक्ट करके फिर से यहाँ पे वापस सबमिट का बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करना है, यहाँ पे सबमिट के ये ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गया है, रिक्वेस्ट सबमिटेड हुआ है। अभी यहाँ पे सिस्टम प्रोसेसिंग हो रहा है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल जब आएगा तो यहाँ पे ये सही का निशान लगाएगा, टिक का यहाँ पे, जैसे कि विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अभी हुआ नहीं है मेरा, तो देखते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं, उसके बाद टाइम ले रहा है। अभी कुछ देर वेट करने के बाद दोस्तों एक विनेंस की तरफ से नोटिफिकेशन का मैसेज मैंने चेक किया, तो यहाँ पे आ रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली विड्रॉन 11.23 USDT। ये जो है इतना हम USDT सक्सेसफुली विड्रॉ कर चुके हैं। तो अब मुझे वापस से जाके चेक करना है VU के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर कि वो रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है टिकट्स मैंने ये जो है जैसे पहले यहाँ पर ज़ीरो था मेरा, एक मिनट, यहाँ पे जो था वो जीरो मतलब कि USDT था, जब हम 11.23 किए इसमें डिपॉजिट, तो ये सारा कुछ डिपॉजिट हो गया है USDT। यहाँ पे डॉलर शो कर रहा है, चूँकि USDT और डॉलर लगभग इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये डॉलर का सिंबल शो कर रहा है। और मेरे पास जो टोकन्स है वो VU टोकन्स बाउटो है और 2200 है, मतलब कि ये काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है ये VU टोकन्स का। अगर ये $1 भी जाता है तो मेरा ये जो $11 इन्वेस्ट किया हुआ है वो $2200 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा प्रोसेस था जो ये एक मिनट, तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों कि VU का टोकन्स आप कैसे बाई कर सकते हैं। और अभी $1 में 200 के आसपास 200 टोकन्स मिल रहे हैं $1 में। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि आप $10-20 ही इन्वेस्ट करें इसमें कुछ लिमिट नहीं है, ये नहीं बताया कि मिनिमम डिपॉजिट इतना है, तो मिनिमम आप $2 भी आप इसमें $1 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि मिनिमम जो डिपॉजिट का है कहीं पर कुछ ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो अगर आप सिंपल $1 के साथ आप 200 जो है VU टोकन्स खरीद सकते हैं। तो हमने ये $11 के साथ ये 2200 टोकन्स VU का ख़रीदा है। तो ये सारा प्रोसेस था, उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करेंगे, और अगर फ्यूचर में हर एक तरह के एयर ड्रॉप्स के बारे में या फिर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे दोस्तों, क्योंकि वहां पे सबसे पहले मैं नोटिफिकेशंस अपडेट करता हूं। थैंक यू।